तो बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। देखो यार, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी हम लोग पढ़ रहे थे और प्रीवियस क्लास में ही इकोनॉमी के बारे में पढ़ा। सो बच्चा, इकोनॉमी क्या होती है? सिंपल इकोनॉमी, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की। सो बच्चा, इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है? ठीक है, अगर आपसे पूछूं हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में कितने सेक्टर हैं, सेक्टर पूछूं, इकोनॉमी पूछूं, बच्चा बता दोगे? कुछ बच्चे कहेंगे सर पहला है प्राइवेट सेक्टर। बिल्कुल बच्चा, बहुत बढ़िया, जिसे हम बोलेंगे मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, दूसरा है भैया गवर्नमेंट सेक्टर। अच्छा, गवर्नमेंट भी काम करती है, जिसे हम लोग बोलेंगे सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। अभी सुन लो, सारी बातें एक एक से समझाता हूँ, डिफरेंस भी समझाता हूँ। ठीक है, और तीसरा है आपका भैया मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिक्स्ड सेक्टर, जहां पर प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, सुनो एक एक से डिटेल में समझते हैं हम। सबसे पहला आओ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट नाम से क्या पता चल रहा है भैया? मार्केट प्रोड्यूसर वही सब कुछ करेगा। बच्चा मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें सारे इकोनॉमिक डिसीजंस, जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, या फिर क्या प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, कैसे करना है, सारे इकोनॉमिक डिसीजन जब प्रोड्यूसर या फिर प्राइवेट सेक्टर या फिर मार्केट फोर्सेस के द्वारा लिया जाए। आपकी बुक में ये शब्द बड़ा हाईलाइट है, किसके द्वारा? मार्केट फोर्सेस। अब आप पूछोगे सर मार्केट फोर्सेस क्या है? बच्चा मार्केट फोर्सेस बोले तो डिमांड सप्लाई फोर्सेस, डिमांड सप्लाई फोर्सेस। अब ये होते क्या है वो सुनो। देखो यार, आप लोगों ने आज से कुछ दिन पहले सुना होगा भैया नींबू के प्राइस एकदम से राइज हो गए, है ना? नींबू के ऊपर काफी मीम्स बनने लगी थी। तो हुआ क्या था, मार्केट के अंदर नींबू की सप्लाई कम हो गई थी, मार्केट के अंदर नींबू था ही नहीं, बहुत कम था, जिससे प्राइस बढ़ती चली गई। यही होता है ना, सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, प्राइसेस बढ़ेगी। इसी को हम कह सकते हैं जो प्राइस डिटरमाइन हुई है वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के द्वारा हुई है। सो ये है आपकी मार्केट इकोनॉमी, यानी जो भी होगा मार्केट में होगा, प्राइस जो भी डिटरमाइन होगी मार्केट फोर्सेस के हिसाब से होगी। जैसे आलू की बात कर लेते हैं, मार्केट के अंदर भी देख रहे हो भैया आलू ही आलू आ रहे हैं यार, जिस भी किसान को देखो आलू लेके आ रहा है। मार्केट के अंदर आलू की सप्लाई बहुत है लेकिन लोग खरीद नहीं रहे यार, लोग कम खरीद रहे हैं। क्या होगा भैया, कम खरीद रहे हैं, सप्लाई ज्यादा है, प्राइसेस कम हो जाएंगे, है ना? क्योंकि स्टॉक उसका ज्यादा है। हुआ क्या, मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के हिसाब से प्राइस डिटरमाइन हुई। तो बच्चा लोग, जब सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा या फिर डिमांड सप्लाई फोर्सेस मार्केट फोर्सेस के द्वारा लिए जाए वो कहलाती है मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, बेसिकली प्राइवेट सेक्टर यहां पर वर्क कर रहा था। दूसरी आओ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, आपको बड़े अच्छे से बताया भैया गवर्नमेंट इकोनॉमी, जब सारे के सारे डिसीजंस सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट की कोई सेंट्रल अथॉरिटी जब सारे इकोनॉमिक डिसीजंस लेने लगे वो आपकी कहलाती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तीसरी है बच्चा मिक्स्ड है, मिक्स्ड में आप समझते हो यहां पर प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर जब मिलके दोनों डिसीजंस लेते हैं सो वो आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। अब आप पूछोगे सर गवर्नमेंट का तो हम समझ गए, हमारे देश में काफी सारी गवर्नमेंट कंपनीज है काम करती हैं, ठीक है, जैसे BHEL हुई है। बात बताओ हमें जरा मिक्स्ड इकोनॉमी की, क्या हमारे देश में कोई ऐसा भी एग्जाम्पल है जो एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी के तौर पे काम कर रहा हो, जहां पर प्राइवेट और पब्लिक यानी गवर्नमेंट दोनों मिलके काम कर रही हो? अरे भाई, आप लोगों ने मेट्रो का एग्जाम्पल सुना है, दिल्ली मेट्रो किसकी है? आप कहोगे सर दिल्ली गवर्नमेंट की है। बिल्कुल बच्चा, पैसा किसने लगा रखा है? बच्चा पैसा प्राइवेट सेक्टर का भी लगा हुआ है, सो प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट दोनों मिलके काम कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, ये है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा एक बात बताओ, अगर टोटली मार्केट इकोनॉमी हो, टोटली प्राइवेट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर को क्या चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को क्या चाहिए, इनका मेन मोटिव क्या होता है? बच्चा
मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। गवर्नमेंट सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मेन मोटिव क्या है बच्चा, ये लोग ना यार गवर्नमेंट प्रॉफिट थोड़ी कमाना चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। और अगर भैया मिक्स की बात करो, दोनों की बात करो, तो दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो, बोले तो इन्हें भी प्रॉफिट चाहिए बट विथ सोशल जस्टिस, बट विथ सोशल जस्टिस या सोशल वेलफेयर, ठीक है, समझ गए। तो बच्चा ये है आपकी तीन इकोनॉमी, ठीक है, तीनों का डिफरेंस पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आओ बच्चा एक एक से सारे पॉइंट। सो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ध्यान रखोगे सबसे पहले हमारे पास सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, गवर्नमेंट इकोनॉमी है, दूसरा मार्केट इकोनॉमी है, तीसरा आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। चलो सबसे पहले पॉइंट पर आओ, गवर्नमेंट की बात करते हैं। दीज आर द इकोनॉमीज वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज आर फर्मली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और सम सेंट्रल अथॉरिटी। काम की बात लास्ट में लिखी थी कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, चाहे प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है या कोई भी एक्सचेंज है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास या गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी के पास रहेगा वो आपकी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। सेकंड पर आओ मार्केट, अभी प्राइवेट सेक्टर पर आओ। सो दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। यहां पर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करेगा, मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस समझ गए क्या, मार्केट फोर्सेस डिमांड सप्लाई फोर्सेस, ठीक है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से काम होगा जो भी होगा। और तीसरा हो मिक्स्ड इकोनॉमी। सो दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। बच्चा फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस बोले तो प्राइवेट सेक्टर, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, बट ध्यान रखना आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो यहां पर आपके दोनों आ जाते हैं, ये भी दोनों मिला के आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा बच्चा यहीं से मेरे को एक बात और याद आई, मार्केट इकोनॉमी को हम लोग फ्री इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, देख के भी लग रहा है ना, मार्केट इकोनॉमी को क्या बोल सकते हैं, फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी क्यों भैया, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, क्योंकि ये टोटली फ्री रहती है, कभी भी आगे बढ़ जाती है, कभी भी पीछे आ जाती है, ये डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पर, ठीक है, याद रखिएगा। चलो सो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ, सेकंड पॉइंट है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइविंग बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। बता चुका हूं गवर्नमेंट क्या चाहती है, सोशल वेलफेयर। प्राइवेट सेक्टर क्या चाहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और मिक्स्ड क्या चाहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो चाहता है बट विद सोशल वेलफेयर, ठीक है, सिंपल पॉइंट था। नेक्स्ट आओ, सो यहां पर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, प्रोडक्शन कौन करता है, सरकार। डिसीजन कौन लेती है, सरकार। जो भी गुड्स बनाएगी वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से बनाएगी, यानी यहां पर कंज्यूमर की ज्यादा नहीं चलती, यहां पर कंज्यूमर राजा नहीं होता, जो सरकार बनाएगी, जो सरकार बेचेगी उसे आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। सो द कंज्यूमर इज नॉट सॉवरेन, सॉवरेन मीन्स एक प्रकार से आप राजा समझ सकते हो जिसकी ज्यादा चलती हो। द सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड्स व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। तो यहां पर कंज्यूमर डिसाइड नहीं करेगा क्या खरीदना है या फिर कौन से गुड्स खरीदना है, यहां पर सरकार डिसाइड करती है, यहां पर सरकार बताती है कि चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो आपकी इच्छा है। लेकिन यहां पर मार्केट, बच्चा प्राइवेट सेक्टर, देखते हो ना हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी जो नीड्स हैं, उसके हिसाब से प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, उसके हिसाब से हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। देखो बच्चा, सो द कंज्यूमर इज सोवरेन, यहां पर कंज्यूमर सोवरेन होता है, यहां पर कंज्यूमर राजा होता है। कंज्यूमर बायस गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, तो कंज्यूमर अपनी चॉइस के हिसाब से सामान खरीद सकता है। थर्ड आओ, मिक्स्ड पर आओ, कंज्यूमर इज सोवरेन, यहां पर भी कंज्यूमर सोवरेन बट कंडीशन है यार, क्योंकि यहां पर प्राइवेट पब्लिक दोनों है, पहले प्राइवेट की बात कर ली, कंज्यूमर सोवरेन है बट हाउएवर PDS, PDS बोले तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स टू द कंज्यूमर। बट PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये इंश्योर करता है कि लोगों के पास बेसिक नीड्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आसानी से पहुंचती रहे। तो कितने पॉइंट हो गए, तीन पॉइंट, आसान से थे, पहला मीनिंग, दूसरा मोटिव, मोटिव भाई यहां पर सोशल वेलफेयर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों, और तीसरा हमने जस्ट अभी पढ़ाया कि कंज्यूमर यहां सोवरेन नहीं होता, यहां होता है, यहां होता भी और नहीं भी होता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ, फोर्थ पॉइंट पर आ जाओ,
सो मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड. बच्चा रिसोर्सेज संसाधन किसके पास होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट या उसकी कोई अथॉरिटी के पास, यानी पब्लिक के पास कलेक्टिवली. मार्केट है तो प्राइवेट सेक्टर के पास, या फिर मार्केट डिटरमाइन करेगा. मिक्स्ड है तो दोनों के पास. रीड आउट करो. सो मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज और व्हाट प्राइसेस आर टू बी टेकन. चलो यहां जाओ. सो मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय द पीपल, जिसे हम बोल भी सकते हैं प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, चलो. The market determines the price of goods and services. और इसके बाद, अच्छा यहाँ पर market determine कर रहा है, यहाँ पर government determine करेगी. ठीक है, तीसरा आ जाओ, mixed economy. So resources are controlled both by the government and the people. Prices are determined by the market, but government regulates and controls the price of the goods. तो देखो यार, price तो यहाँ पर market के द्वारा ही determine हो रही है, demand and supply forces के द्वारा ही हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेट करती है. गवर्नमेंट चाहे तो बढ़ा भी सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो कम कर भी सकती है. बच्चा एक आखिरी पॉइंट और होगा, बिल्कुल पांचवा पॉइंट हो रहे. यहां पर पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है. प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी. बच्चा चार पॉइंट से, पिछले चार पॉइंट से लिख रखा था पीपल, लिख रखा था मार्केट फोर्सेस. सही बात अभी लिख दी, जो मैं जब से बोल रहा हूं कि यहां पर सारा काम प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है. यहां पर प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी. और मिक्स्ड में भी ध्यान रखना, प्राइवेट सेक्टर मैं कहता हूं प्लस गवर्नमेंट भी कर लो. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट दोनों मिलकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डोमिनेट करती है. तो यहां पर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, यहां पर प्राइवेट सेक्टर, यहां पर दोनों मिलकर. तो बच्चा लो फिलहाल बस इतना ही था आज की क्लास में. और हाँ यार, ये चैप्टर समाप्त भी होता है. और आप लोग जिसकी उम्मीद करते हो, जिसकी ख्वाहिश करते हो कि सर नोट्स प्रोवाइड कर दिया करो, पीपीटी दे दिया करो, तो बिल्कुल परेशान मत हो. ठीक है, मैं आपको पीपीटी बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, सो आपके लिए मैं सेव कर लेता हूँ भाई अपने अपलोड्स फोल्डर में. तो चलिए, आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद. कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो. इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर समझ आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लेना. हम अपनी वीडियोस को और कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे और अच्छा कर सकते हैं, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताओगे. और साथ ही आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हो, आप कौन से स्कूल से हो, नीचे कॉमेंट करना मत भूलिएगा. तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास.